हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल पार्ट टू। पार्ट वन हम लोगों ने कर रखा है, पार्ट टू हम लोग आर्क ऑफ सर्कल से स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन हम लोग टेंजेंट तक कर लिए हैं, तो यहाँ से अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्क ऑफ सर्कल। पहले आर्क का डिफिनेशन चलते हैं। तो पीस ऑफ सर्कल, किसी भी कंटिन्यूअस पीस, यहाँ पे छूट गया है कंटिन्यूअस पीस। मान लो यहाँ से अपने स्टार्ट किया तो यहाँ से कंटिन्यूअस करते करते यहाँ तक आया ये बी, तो हमारा ये आर्क ए बी हो गया, आर्क ए बी हो गया हमारा। अब वैसे तो ये भी एक आर्क है ना, जो ऊपर में है इसके, ये वाला आर्क, हाँ बड़ा वाला, तो ये भी हो गया आर्क बी ए। इसे हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं, इसे हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं, लेकिन वो हम लोग समझेंगे बाद में, पहले हम ये समझते हैं। तो इसे डिनोट हम लोग कैसे करेंगे, लिखते समय कैसे लिखेंगे, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर एक कर्व टाइप का, बी ए के ऊपर एक कर्व टाइप का। आई होप कि आप समझ गए हो कि आर्क, अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो सिंपल बोल दीजिए कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। चलिए तब चलते हैं दूसरा नंबर, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क मतलब ये नहीं कि बहुत हार्ड चीज है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग बने रहिए। मान लीजिए यहाँ पे ए है और बी है, और अगर एंगल ए ओ बी हमारा थीटा है ना, तो जो ए बी का जो मेजर है मतलब डिग्री मेजर ऑफ ए बी भी हमारा ए बी आर के बी भी थीटा ही हो जाएगा। मतलब कि जो एंगल ए ओ बी रहेगा वही आर के बी का ये रहेगा, डिग्री रहेगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, तो ऐसा हम लोग ऐसे लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे आने वाले थ्योरम में बहुत होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखते चलिएगा कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। अब वैसे तो ये वाला भी पार्ट हमारा एक आर्क है, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, तो आप ये वाला बड़ा वाला जो आर्क है उसका मेजरमेंट क्या होगा, तो आप लोग को पता है कि किसी भी सेंटर का जो पूरा एंगल होता है वो 360 होता है, जिसमें से थीटा ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट ऑफ आर्क क्या होगा, तो उसका हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क बी ए इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क क्या हो क्या है। तो कुछ नहीं है, बस जो एंगल, जो आर्क द्वारा एंगल सबस्टेंड होगा सेंटर पे, जो एंगल होगा ना वही इसका मेजरमेंट होगा, डिग्री मेजर होगा। तो यहां तक हम इसे स्टॉप करते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, और आगे चलते हैं माइनर एंड मेजर आर्क। इसे समझने से पहले आप थोड़ा सेमी सर्कल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत आसान है। सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं पहले। सेमी मतलब आप लोग पहले से जानते होंगे कि सेमी का मतलब होता है हाफ, और सर्कल मतलब सर्कल का हाफ कौन करेगा, जानते होंगे आप लोग कि सर्कल का हाफ कौन करता है, डायमीटर करता है। मान लीजिए एक डायमीटर है, डायमीटर ने कर दिया, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड रेडियस का डबल, इसने सर्कल को दो भाग में बांट दिया। तो देखिए ये भी तो एक कंटिन्यूस पीस है ना, मतलब कि ये भी हमारा आर्क बन रहा है। जी हाँ, आर्क ए बी और आर्क बी ए, लेकिन ये दोनों आर्क इक्वल है। और अब हम लोग इसके मदद से समझेंगे कि माइनर आर्क और मेजर आर्क कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। आप लोग इसे समझ लेंगे मेरे ख्याल से कि सेमी सर्कल किसे कहते हैं। सेमी सर्कल जो ये पार्ट हो गया ये सेमी सर्कल हो गया, जो ये पार्ट हो गया ये सेमी सर्कल हो गया, इसे डिवाइड कौन कर रहा है, तो डायमीटर, जो डायमीटर है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि ये दो पॉइंट्स को कर रहा है ज्वाइन। हम लोगों ने इसका जो डायमीटर, टेंजेंट लाइन, कॉर्ड, ये सब के बारे में बता रखा है पार्ट वन में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सेमी सर्कल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं माइनर एंड मेजर आर्क। वैसा आर्क जिसका लेंथ, मान लो ये डायमीटर है, वैसा आर्क जिसका लेंथ आप देख सकते हो कि ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, मान लो कि ये एक आर्क है, वैसा आर्क जिसका लेंथ डायमीटर से छोटा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे। वैसे भी देखने में आप लोग को लग ही जाता है कि छोटा है तो माइनर होगा, बड़ा होगा तो मेजर होगा, लेकिन एक बुक के हिसाब से देखें तो डायमीटर के लेंथ के, डायमीटर से छोटा हो गया, देखिए डायमीटर हमारा यहाँ तक जा रहा था, लेकिन डायमीटर हम लोग का जो ये वाला आर्क है वहीं तक रहेगा, तो जाएगा माइनर। और यहाँ पे देखिए
एक ये है, एक ये है, ए बी। डायमीटर हमारा ये है, तो देखिए डायमीटर से ये बड़ा हो रहा है ये वाला आर्क, है ना, ए सी बी आर्क, ए सी बी। यहाँ पे आर्क ए सी बी माइनर आर्क है, यहाँ पे वही बड़ा हो गया। और अगर आप इसको एक सर्कल में करके देखो तो इसे डी मान लो, तो अगर आर्क ए सी बी माइनर है तो बी ए डी आर्क मेजर आर्क हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने माइनर और मेजर आर्क का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। डायमीटर से छोटा लेंथ तो माइनर, डायमीटर से बड़ा लेंथ तो मेजर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोगों ने बहुत चीज देख लिया अभी तक, अब हम लोग देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मतलब आप लोग जानते होंगे, चार साइड होते हैं क्वाड्रिलेटर के, तो क्वाड्रिलेटर तो आप लोग जानते हो, लेकिन इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो वैसा क्वाड्रिलेटर जिसका चारों जो वर्टिक्स है ना वो सर्कल को टच करे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो एक क्वाड्रिलेटर बनाया उसका ए बी सी डी चारों जो वर्टिक्स है वो सर्कल पर टच कर रहा है, इसलिए जो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। और हाँ एक चीज और इसमें है कि जो ये ए डी बी सी जो सेपरेटली ए बी सी एंड डी है ना, इसको हम लोग कौन साइक्लिक बोलते हैं। याद रखिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वैसा क्वाड्रिलेटर जिसका चारों वर्टिक सर्कल को टच करे, और कौन साइक्लिक उसके चारों पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स यहाँ पे टच कर रहे हैं उन चारों उन सब पॉइंट्स को हम लोग कौन साइक्लिक बोलते हैं। ए बी सी डी यहाँ पे कौन साइक्लिक हो गया। अब आगे हम आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा आप लोग को, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क्स का कॉन्सेप्ट। ये क्या झमेला, ये बहुत ही आसान है कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेजरमेंट ऑफ आर्क्स, वही नियम यहाँ पे लगेगा कि ये जो आर्क ए बी है और ये जो आर्क सी डी है वो कॉन्ग्रुएंट कब होगा। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है कि ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा। तो आपको पता है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी क्या होता है, एंगल ए ओ बी। इसका आर्क क्या होगा, इसका मेजरमेंट क्या होगा, एंगल ये होगा। यदि एंगल ए ओ बी ये थीटा बराबर ये हो जाए तो हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी हो जाएगा। अगर वो दोनों इक्वल हो गया तो हमारा आर्क भी इक्वल हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब कि इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू थीटा, देन मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी। अगर ये हो गया तो हमारा आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया आर्क सी डी के। बस यहां तक हमारा कॉन्ग्रुएंट आर्क का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्कल और सेक्टर ऑफ सर्कल एक साथ समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, दो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। तो जो एरिया आर्क और कॉर्ड के द्वारा बने उसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। और जो एरिया रेडियाई मतलब रेडियस और आर्क के द्वारा बने उसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ध्यान से समझिएगा, आर्क और कॉर्ड देन सेगमेंट, आर्क एंड रेडियस देन सेक्टर। अब इसमें भी माइनर मेजर होगा, जो ये जो छोटा होगा वो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा होगा वो मेजर सेगमेंट। इसमें भी वही होगा, ये हो गया माइनर, तो ये जो बड़ा वाला बच गया वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो सेगमेंट और सेक्टर में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। सेगमेंट कॉर्ड एंड आर्क, और वही सेक्टर रेडियस एंड आर्क। सेक्टर का देखिए, तो सेक्टर का अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेक्टर का जो शेप है वो हल्का ट्राइंगल की, अगर आप इसे मिला दीजिए ट्राइंगल का शेप बनेगा, लेकिन ये ट्राइंगल का शेप नहीं बनेगा। अगर आप इस तरीके से भी याद, जिस तरीके से आपको सुविधा मिलता है उस तरीके से आप याद कीजिए। अब हमारा जो सर्कल में जितना भी टॉपिक हुए लगभग खत्म हो गया, बस एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हमारा बचा हुआ है, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, वन फोर्थ किसी भी पार्ट को। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होगा, वन फोर्थ ऑफ सर्कल। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सर्कल के चार भाग किए हैं, तो कोई भी एक सेपरेट जो भाग होगा ना वो हो गया, तो ये ए बी, तो जो ओ ए बी ओ है ना ये एक सेक्टर हो जाएगा। अब ये वन फोर्थ है, जब ये वन फोर्थ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा,
वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पेरीमीटर वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मतलब कि वन बाई फोर, ऐसे समझ लीजिए क्वाड्रेंट का मतलब वन बाई फोर, तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा वन बाई फोर्थ ऑफ सर्कल। चलिए तो यहाँ हम लोग का जितना भी टर्म्स था हम लोगों ने कर लिया, इसका भी डिफिनेशन मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ के फॉर्म में लिंक में दे दूं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अब हम लोग आगे थ्योरम के बारे में अगले वीडियो से डालेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।